नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल केशव इलेक्ट्रिक पर। देखिए दोस्तों, ये जो पंखा है इसका बैरिंग टूटा हुआ है ऊपर वाला, और लूप जल गया है। जहाँ से जो कॉइल से जो लूप तार ज्वाइंट होकर के बाहर निकला रहता है उसे हम लोग लूप कहते हैं। उस लूप जल चुका है और देखिए एक कॉइल भी स्टार्टिंग का जो है डैमेज है, तो इसको रिपेयर करना आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और किस प्रकार से जो है इसका रिपेयरिंग किया जाएगा दोस्तों, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ करके। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसको हम अच्छे कैमरा को स्टैंड पर लगा लेते हैं पहले, इसके बाद जो तार सब को बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये भी निकल गया है और इसको हमें अच्छी तरह से लूपिंग करके वायरिंग चेंज कर देना है, और वायरिंग चेंज करने के बाद इसमें फिट करके भी आप लोगों को दिखाएंगे, और लूपिंग का तार जो है दोस्तों किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी समझाएंगे। तो नए मिस्त्री के लिए बहुत अच्छी जानकारी दिया गया है इसमें। देखिए इसका बैरिंग भी चेंज होगा, तो बैरिंग इसमें से निकल गया है, शाफ्ट में है। और इसके बाद देखिए मैं इस बैरिंग को भी चेंज करना करूँगा, तो पूरा जाम हो चुका है। तो इस बैरिंग को पहले निकालने के लिए देखिए क्या चीज़ की आवश्यकता होगी। वो एक कूलर है दोस्तों, कूलर आप लोग भी रख लीजिए। इस कूलर से इस बैरिंग को साफ कर निकाल देंगे। देखिए और इसको लूप बनाना है। वो देखे दोस्तों, रेड वायर हमने इस दोनों में कॉमन बना दिया हूँ, ब्लैक वाले को रनिंग में जोड़ दिया हूँ। और यहाँ यही कॉइल डैमेज था और बीच में एक कॉइल छूट रहा है, तो एक कॉइल को छोड़ दिए हैं और दूसरा का कॉइल देखे दोस्तों हमने सोल्डिंग कर दिया, और इसमें सिलीविन चढ़ा करके इसके निकाल करके आप लोग को दिखाता हूँ। और देखिए दोस्तों, आज मैं अपने दुकान पे ही शूट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा आवाज़ आ रही है। तो देखिए मैं इस तार को इस होके निकाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने लूप तो करके इसको बाहर निकाल रहा हूँ, और किस प्रकार से यह निकाला जाता है वो भी आप देख लीजिए, फिर इसको फिटिंग करके चलाया जाएगा और बैरिंग सेट करके। और आप यदि आप मेरे आसपास से है दोस्तों, तो चरौत में केशव इलेक्ट्रिक सरकारी हॉस्पिटल के सामने आप अपना फैन रिपेयरिंग, फैन मोटर समरसेबल इत्यादि रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं। इसमें देखिए मैं सीरीज एक बार चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरा ओके हो गया रेडी, मेरा सीरीज दोस्तों थोड़ा साइड में है इसलिए मैं ही देख पा रहा हूँ, इसमें ठीक है। अगर कहिए रहेगा तो सीरीज से भी दिखा दूंगा इसमें। लेकिन ये जो है दोस्तों, सो आप बैरिंग कूलर लगा करके बैरिंग को खोल देना है और उसको ग्रीसिंग व्रीसिंग करके, नया भी बैरिंग आप डालते हैं दोस्तों तो उसमें भी ग्रीस कीजिए। तो इससे होता है क्या, बैरिंग का लाइफ बढ़ जाता है और आपके पास शिकायत नहीं आएगा। जैसे कि जो बैरिंग 3 महीना चलने वाला होगा वो 6 महीना साल भर चलेगा। तो और ग्रीस करने के बाद दोस्तों साल 2 साल देखना नहीं पड़ता है, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ग्रीस करके ही डालें बैरिंग यदि आप लोग डालते हैं इसमें ना। तो और बैरिंग कभी भी दोस्तों दोनों चेंज करना चाहिए, पंखा का बैरिंग जो है दोस्तों दोनों ही चेंज कर दीजिएगा तो ठीक रहता है।
और इसको ज़रा साफ़ सुथरा करके हम नया बैरिंग बिठा देंगे। और इस कूलर को रखने का जो तरीका है दोस्तों, उसको देख लीजिए, मैं दिखा रखने का तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार से कूलर सेट करके रखा जाता है, जो इसमें का एक भी सामान इधर उधर ना हो। ये हो गया और इसको थोड़ा साफ़ सुथरा कर देते हैं दोस्तों। साफ़ करके बैरिंग लगा करके मैं आपको दिखाता हूँ कि बैरिंग किस प्रकार से लगाया जाएगा। तो देखिए इसमें ऐसे ग्रीस कर देंगे दोस्तों, क्या है कि यहाँ पे ग्रीस रहता है कंपनी तरफ से। और देखिए इसको मैं इसमें डाल दे रहा हूँ और ये बैरिंग थोड़ा टाइट है दोस्तों, तो इसलिए इसे हथौड़ी मारना होगा, ऐसे में नहीं जा रहा है। तो आराम आराम से मार देंगे, देखिए हो गया। और इसको फिट करके चेक करके आप लोग को दिखा देता हूँ कि पंखा कंप्लीट है मेरा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।